उपखनन जो खनन के पट्टों की स्वीकृति मिलने के बाद पुलिस ने खनन व्यवसायियों, स्टोन क्रेशर स्वामियों और ट्रांसपोर्टरों के साथ एक बैठक की, जहां पर बैठक में सभी लोगों से पुलिस ने मानकों को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य करने के बारे में चर्चा की और निर्देश दिए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी किसी भी तरह की ट्रैफिक से संबंधित समस्या होने पर सितारगंज पुलिस को तुरंत अवगत कराना अनिवार्य होगा। वहीं बाहर से आए पट्टों पर काम करने वाले मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना पट्टा धारक की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के बीच से सड़क सक्रिय होने के कारण स्कूल के समय पर खनन वाहनों पर पूर्णतः रोक लगाई जाएगी। कैलाश नदी में कुछ खनन के पट्टे स्वीकृत हुए हैं और उन पट्टों का किस प्रकार का संचालन किया जाएगा इसको देखते हुए और आम जनता को खनन वाहनों से कोई दिक्कत ना हो इस बात को देखते हुए हमारे द्वारा आज कोतवाली परिसर में खनन व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर तथा जो परिसर मालिक की मीटिंग ली गई है और सभी को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया है कि खनन के समय कोई भी ट्रैफिक इशू ना आए। अगर कोई ट्रैफिक इशू आता है तो उसका जो है पुलिस के साथ मिलकर जो है तत्काल उसका जो है निराकरण कराएंगे।